अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो अब मैं बारिश में खड़ी होकर ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत मज़े का मौसम लग रहा है। मतलब बारिश ऊपर गिरी बट अच्छा फील हो रहा है। सो यस, अभी हम जा रहे हैं बेसिकली अड़वा का जो है वाटर मशीन है ना, उसका फिल्टर चेंज होना है। तो हमने कहा कि वो लेने चलते हैं एंड फिर कुछ खाएँगे क्योंकि आज सैटरडे है। तो यस, वी आर ऑल सेट टू गो। लोग बस स्काई चेक करें, अभी मेरे ख्याल से 4:30 का टाइम है एंड इट्स लाइक शाम हो गई है। 2000 years later. कहाँ जा रहे हम? पार्क। एक्साइटेड आफ्टर सो लॉन्ग। आज अच्छा खासा सनी था और अब हम निकले हैं तो जो है ना सन गायब हो गया है ना। शाम अभी खैर नहीं हुई, अभी क्या टाइम हुआ है? आई थिंक 1 to 1:30 हुआ है। सो बेसिकली अरवा टर्न 8 months yesterday और हम भूल गए थे है ना। कल 17th थी, क्या डेट थी कल? 17th फेब। सुबह और हम भूल गए थे। तो आज हम जा रहे हैं पार्क और जहाँ पे मैंने भी कुछ पढ़ा कि सुबह नहीं गए कोई के वो हम लेट हो गए थे। कल नहीं गए थे क्योंकि हम लेट हो गए थे, शाम बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ पे। और आज सुबह इतना अच्छा मौसम था और अभी हमें निकलते निकलते जो है ना शायद अभी वापस सूरज आ जाए, आई थिंक आ जाए क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है। बकार इसलिए कहना शाम होगी है क्योंकि शाम बहुत जल्दी हो रही है यहाँ पे आजकल। और मैं कल कह रही थी इसीलिए हमने प्लान कल का कैंसिल कर दिया था, आज हम जा रहे हैं। सो यस, वहाँ जाके अरवा का फोटोशूट करेंगे 8 months का और रिजार से अपना इंजॉय करेगा है ना। अरवा ने क्या पहनना है, कैसा शूट करना है वो जहाँ जाके आपको बताऊंगी। खैर अभी हम पहला स्टॉप है हमारा अजदा। और ये देखो बाबा की लाइट। अच्छा ठीक है ना, हम अजदा रुके क्योंकि हमने यहाँ से अरवा के यहाँ जो शूट करना है 8 months का उसके लिए कुछ चीजें पिक करनी थी और जूसेस लेने क्योंकि गर्मी लग रही है। आई नो हालांकि मौसम ठीक है, हवा चल रही है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है इससे गर्मी मुझे लगना स्टार्ट हो गई है। बस अभी हम फिर वेट करते हैं, जल्दी से भी निकलते हैं यहाँ से, पार्क जाते हैं। मुझे बस सनलाइट चाहिए वहाँ पे जो इंशाल्लाह मिल जाएगी। स्काई चेक करें बस कितना अच्छा लग रहा है। बकार इज गोइंग। ये हमारे फ्लावर्स भी मैंने पकड़ लिए हैं जो कार्ड मुझे बुके दिया था वैलेंटाइंस पे, उसमें से निकाल लिए। यस आई नो, ब्लर हो जाती तू। और ये देखो अभी सो रही है। एंड ये हमारा बलून 8 number हमने लिया। मैंने ब्लू लेना था, वो कार को पता नहीं था वो ये कलर ले आया। एनीवेज काम चल जाएगा, जाके यहाँ पे कोई लोकेशन ढूंढ रही हूँ जहाँ पे अच्छा था शूट हो सके। और आज ये मसला है कि ये सारा जो है ना गीला हुआ है, नीचे भी नहीं बिठा सकती मैं यहाँ पे। अल्लाह करके कहीं ड्राई मिल जाए, तो सोचा मैंने ये था कि नीचे बिठा के अरवा को और फिर बलून भी चढ़ के फ्लावर्स वगैरह भी अच्छा था फोटो शूट करने का। लेट्स सी अच्छी जगह मिल जाए। सो दिस इज़ आवर ह्यूज नंबर 8 जो कि नीचे वेट लगा है फिर भी इतनी हवा है कि वो रुक नहीं रहा। सो कार ने पकड़ा हुआ था, उसके अलावा भी गॉट सम फ्लावर्स जिनका अरवा ने बुरा हाल कर दिया। एंड दिस इज अरवा। वैसे अब आपकी अरवा दोनों की ले लो पिक्चर। कम हियर। छोड़ो। मैं अब अपना थोड़ा सा शूट कर रही हूँ इनके साथ एंड दिस इज द व्यू। थैंक गॉड वी गॉट सम सन एंड दिस इज अरवा इज आर सिफ एंड वकार। अब वकार शूट कर रहा है अरवा का। हाय, झूले लेने अब? चलो लेट्स गो। यू आर सिफ अभी गया है यहाँ पे, आर सिफ अभी इधर गया है, अभी आएगा मुझे यहाँ खड़ा कर गया। लेट्स सी कब आता है। और वकार गया है गार सिफ को। नाइस, वकार अरवा को लेके गया गाड़ी में कैप पहनाने। कैप गाड़ी में भूला था, सर्दी काफ़ी हो रही थी। अब दोबारा जा रहे हो अंदर नहीं लेके जाना मेरा फोन? नो वे, आप कहीं और चलते हैं दोबारा। चलो आप कहीं और चलते हैं, मैं जा रही हूँ, बाय। तो खाना मैं बना कर गई थी मस्टर्ड चावल, अभी बहुत भूख लगी हुई थी तो खाना खाया डायरेक्ट आकर। और ये जो साथ रायता, ये बूंदी का रायता इसे कहते हैं, बहुत मजे का होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूं। कहाँ जा रहे हो?
ये शर्ट किसने दी थी आपको? आपने? नो किसने दी थी? आंटी आमना ने। थैंक यू कर दो। हाँ? थैंक यू कर दो। थैंक यू। चलो पीछे कैब भी है। हाँ। यस चलो उधर खड़े हो जाके वहाँ पे। इतना प्यारा स्टार्ट हुआ है आज फ्राइडे, आप सबको जुम्मा मुबारक। और अभी मैं नाश्ता कर रही थी तो मैंने देखा कि बाहर स्नो पड़ रही है, एंड लुक अभी स्टार्ट हुई है। पहले वीडियो में शायद उस तरह से नज़र नहीं आ रही होगी जैसे रियल में आ रही है। सो मैंने जो है ना नाश्ता छोड़ा है और विंडो पे आकर खड़ी हो गई हूँ, बिकॉज दिस लुक सो गुड, इतना प्यारा लग रहा है कोई। तो बस मैं खड़ी हो गई स्नो देखने के लिए। अभी वाइट वाइट तो खैर नीचे नहीं हो रहा, मेल्ट हो रही है, बट ऊपर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। आई विश मैं आप लोगों को दिखा सकती जिस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। तो मेरी चाय भी बन गई है और मैं अब यहाँ बैठ के पीऊँगी चाय और साथ इंजॉय करूँगी इस खूबसूरत से मौसम को। ये मालिक मुल्क तू अल्लाह। 2000 years later. सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मैं हुई हुई रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ यूजार को स्कूल से पिक करने। मैं अरवा जा रहे हैं आज काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही हूँ, क्योंकि वकार यूजुअली फ्री होता है इस टाइम पे, बट आज उसकी मीटिंग है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। एंड यस, मुझे काफ़ी दिनों से कह भी रहा था कि आप और अरवा मुझे पिक करने अपने ही आते, तो आज जो है वो भी खुश हो जाएगा। और मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि बाहर सुबह को दिखाया था स्नो हो रही थी, अभी खैर धूप निकल गई है और वो स्नो वो दूसरी वाइट वाली नहीं थी, मेल्ट हो रही थी साथ साथ क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो यस फिर निकलते हैं, अभी मैं वेट कर रही हूँ बस, फिर चलते हैं। और ये वैलेंटाइंस पे वकार ने मुझे दिया था बुके और बेचारा अभी हो गया ख़राब। चलें इतना टाइम ही गुजारते, आई थिंक 1 week तो हो ही गया होगा। ये वाइट वाले अभी तक सही हैं, बस ये वाले जो है ना ये ख़राब हो गए, इनको भी चेंज करते हैं फिर। सो हियर इज अरवा। अरवा हेलो। अरवा की दो पोनी जो है ना बड़ी मुश्किल से अब हो रही हैं क्योंकि ये करवाने नहीं देती। एक साइड की अच्छी बात थी, आज हमने सोचा हम ईस्टर्न वेयर में अरवा को लेके जाएंगे बाहर। कैसा लग रहा है आपको मैं लेने आई हूँ? अच्छा। कितना? ज़्यादा अच्छा। हैप्पी? थैंक यू। रोज आऊँ? रोज लेने आऊँ? ओके आई विल सी। दिस इज़ अरवा।